अगर ये हमारे 10 10 आउट हो जाते हैं ना, तो आप ये बिलीव मी, ये सारे हम इसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लेते, अब्सॉर्ब कर लेते कि हाँ इन्होंने चेस करने की ट्राई की, इन्होंने हिट मारी, हिट करते हुए ये बोल्ड, इन्होंने ट्राई नहीं की। अब इसको ट्राई ना करने को कौन जस्टिफाई करेगा? Exactly. मतलब ये आप फिर एक तरफ आपका पर्सनल माइलस्टोन है, एक कहता है मेरे 40 हो जाए, एक कहता है जी मैं रैंकिंग में नंबर 1 आ जाऊं, एक कहता है मेरे T20 में हाईएस्ट रन हो जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं इरफान जहीर, जो कि वहां पर मौजूद थे, कल मैच उन्होंने खुद देखा। तो इरफान, आपको खुशामदीद कहते हैं, सुनो पाकिस्तान में ये कल क्या हुआ हमारे साथ, साथ आवाम के दिलों के साथ खेल गए, बल्ला तो इनसे चलता नहीं है। देखें बड़ा शहर बनो, बड़ी ये सैड और अनफॉर्चुनेट है, पूरे पाकिस्तान को जो यूनाइट करती है वो एक क्रिकेट है, और पूरे पाकिस्तान को ये एक प्लेयर प्रोवाइड करती है। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर ने, ये बैक टू बैक तीन दिन के अंदर ये 2 मैच आ गए, ये मेरा ख्याल है किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। आप ये जितना आप मर्जी बात कर लें, जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन दे दें, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें, कोई जवाब नहीं बनता। एक दुनिया की 20 नंबर की रैंक की टीम थी जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर सकी जी। और आपने होस्ट पार्टिसिपेट किया, पहले उससे हारे और 160 का टोटल आपको डिफेंड नहीं कर पाए। कल आप एक जीता हुआ मैच जो 95% कहना चाहिए आपको कि वो पाकिस्तान के हाथ में था, और जिस तरह आपने इंट्रो में बोला 10 ओवर के बाद उनका 30-40% क्राउड हमने देखा कि वो जाना शुरू हो गया और स्टेडियम से चले गए। रिमेनिंग ऑब्वियसली उन्होंने पैसे खर्चे थे, वो ग्राउंड में जस्ट एक फॉर्मेलिटी को देखने के लिए वेट कर रहे थे कि उनको, क्योंकि वो बिल्कुल समझ चुके थे कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। बट फिर वो हुआ जो हमेशा हमारा माइंड सेट, जो मेंटेलिटी प्लेयर्स की है, जो कहना चाहिए एक स्टूपिड अप्रोच, बड़ा हार्श वर्ड है बट ये रियलिटी है, और इन्होंने वो क्रिकेट खेली जो शायद गली मोहल्ले के लड़के भी नहीं खेलते। इरफान, यहाँ पर लोगों की जानिब से कहा जा रहा था, जब न्यूज हमारे सुनो पे हमने देखा कि कुछ लोगों तमाशाइयों से पूछा गया कि क्या हुआ, उन्होंने कहा ये बल्ला हमें पकड़ाए, हम 120 आपको चेज करके दिखाएंगे, एक ओवर में अगर हम 6 भी करते तो हम जीत जाते। तो ये क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, लेकिन जब भी परफॉर्मेंस की बारी आती है इंडिया के खिलाफ, ये लोग 0 हो जाते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, और जब ये बात हम करते थे जी किंग फलाना है, वो रैंकिंग में नंबर 1 है, वो अपने 40-50 करने के चक्रों में थे, इनका माइंड सेट कप्तानी तोड़ थी। अब आप क्योंकि अब पहले हमारे नकवी साहब ने फरमाया कि आपने 1 मंथ आपने डिबेट नहीं करनी, आपने बात नहीं करनी, क्रिटिसाइज, ये वर्ल्ड कप लेके आएंगे, और आज उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दी, आपने सुना होगा कि इनकी बड़ी सर्जरी की जरूरत। तो ये जब आप वहां बोले तो बुरा, खुद बोले तो ठीक, जिम्मेदार ऊपर से नीचे सारे हैं, बट सबसे ज्यादा जिम्मेदार टीम का कप्तान है, ये पूरी मैनेजमेंट है, ये तमाम ठीक टैंक है कि अगर आपकी इतनी गेम सेंस नहीं है कि 20 आपने ओवर खेलने, 120 बॉलों पे 120 करना है और 10 ओवरों में आपके 2 आउट है, 81 रन स्कोर है, और फिर अगर आपसे 40 रन 8 लड़कों से नहीं हो रहा, अगर मैं चेयरमैन हूं, अगर इसे क्रिकेटिंग सेंस में एक्सप्लेन करना चाहूं जी, अगर ये हमारे 10 10 आउट हो जाते ना, तो आप ये बिलीव मी, ये सारे हम इसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लेते, अब्सॉर्ब कर लेते कि हाँ इन्होंने चेस करने की ट्राई की, इन्होंने हिट मारी, हिट करते हुए ये बोल्ड, इन्होंने ट्राई नहीं की। अब इसको ट्राई ना करने को कौन जस्टिफाई करेगा? Exactly. मतलब ये आप फिर एक तरफ आपका पर्सनल माइलस्टोन है, एक कहता है मेरे 40 हो जाए, एक कहता है जी मैं रैंकिंग में नंबर 1 आ जाऊं, एक कहता है मेरे T20 में हाईएस्ट रन हो जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये तो पर्सनल, दूसरी तरफ अगर आप पर्सनल कि हम बस अपने रिकॉर्ड्स बनाएं, एज अ लेमैन मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की या इस खेल की शायकीन के तौर पर देखती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है। आप यकीन माने मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फखर जमान क्या कर रहा है, ये शादाब क्या कर रहा है, बाबर साहब तो आते ही चले गए और रिजवान वैसे ही हमने देखा है कि वो टिच 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 करते रहते हैं। रिजवान की विकेट जो थी ना सबसे वाइटल थी, जब रन ऑफ बॉल रिक्वायर्ड था और उसने अपने 40 किए, उसने देखा जी अब हम मेरा स्कोर हो गया, भाड़ में जाए टीम, उसमें सिंपल गेम अवेयरनेस चाहिए थी कि आपको रन बॉल चाहिए था, वो एंकर करता दूसरे एंड से कहता आप हिटिंग करें, ये इतनी कॉमन सेंस की लॉजिक थी जो कि बिल्कुल नहीं। और अटैक किस पे कर रहा है? बुमराह जो सबसे लिथल बॉलर था, हमेशा क्रिकेट के अंदर होता है कि जो सबसे बेस्ट बॉलर होता है उसके ओवर को सी ऑफ किया जाता है और फिर आप बाकी पे अटैक करते हो। अच्छा फिर मैं जो पहले बात कर रहा था कि अगर आप रन करने की ट्राई करते 10 के 10 आउट हो जाते, हम कहते जी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग होगी
और हमारे प्लेयर ने ट्राई की और हम नहीं जीत पाए, फिर भी शायद हम कहीं इसको एडजस्ट कर लेते। yes. जब आप ट्राई नहीं कर रहे, आप आउट भी नहीं हो रहे, तो भाई आपने ये जो रन रोकने करने थे या बॉल जाया की, ये क्या करना था आपने? उन्होंने अवाम के दिल जलाने थे बस। अच्छा, जैसे आपने बात की इरफान, इंडियन टीम से मैं इंस्पायर हूँ। आप देख रहे थे कि हम देख रहे थे कि एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, लेकिन वो लोग चौके छक्के मार रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। देखिए, उन्होंने कोई खास क्रिकेट नहीं खेली। मेरे हम मीडिया बॉक्स में थे, मीडिया गैलरी में थे, उधर भी 70-80% इंडियन थे, बाकी कुछ इंटरनेशनल और हम पाकिस्तानी जजेस थे। उन सारों ने एक ही बात की कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तान खुद मैच ये हारा, पाकिस्तान ने खुद मैच गिफ्ट किया है इंडिया को। Exactly. ये इंडियन जर्नलिस्ट के मैं बता रहा हूँ, तो यो ऑब्वियसली उनको हमारे खिलाफ और इन चीजों में बड़ा लगता है। हुँ. लेकिन फैंस की भी यही स्टेटमेंट थी, जितना फैंस उनके मिले उसने कहा जी इंडिया ने कुछ नहीं किया, ठीक है बुमराह का एक खुद दिया कि आ जाए आप जीत जाए, और मुझे तो अजीब लग रहा था कि आपका बल्ला ही नहीं चल रहा। देखें, जब आप रन ही नहीं कर रहे, मुझे तो ये बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आप आउट हो जाते हैं तो समझ आती है कि आपने हिट मारी, को कैच हो रहा है, को बोल्ड हो रहा है, को LBW हो रहा है। जब आप रन ही नहीं कर रहे और आप 4-5 विकेटें बचा के घर आ रहे हैं, तो क्या मैसेज था, किसने आपको रोका था कि आपने रन नहीं कर? वो आवाम को बस ये बता रहे थे कि हम ऑल आउट नहीं होंगे। अच्छा, बाबर आजम कह रहे हैं पिच भी अच्छी थी, बॉल भी बैट पर आ रही थी, फिर मसला क्या था? देखिए, पिच उनके टाइम पे खराब थी, उनके टाइम पे बारिश हुई थी, मॉइस्चर था विकेट में, विकेट थोड़ी सी ऑब्वियसली इतनी सीधी विकेट तो नहीं थी, बट आप ये समझ लें कि उनके टाइम पे 90% पिच का बिहेवियर खराब था। जब हम बैटिंग करने आए, सनशाइन था, मॉइस्चर उड़ चुका था, पहले 2-3 ओवर थोड़ा बॉल से सीम स्विंग किया, वो निकल गया था, उसके बाद तो सीधी बॉल आ रही थी। सिंपली आपने मनूवर करना था, रन ऑफ बॉल चाहिए था, और कम अज कम ये मैच 17-18 ओवर में खत्म होना चाहिए था। बट मुझे समझ नहीं आती क्या माइंड सेट रिजवान का है, कि इफ्तिखार को हमने कितना अरसा कैरी करना है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ उसने एक मैच नहीं पाकिस्तान को जिताया। शदाब बॉलिंग ऑलराउंडर था, उसको बैट्समैन के तौर पे खिला रहे हैं, तो खुदा का खौफ खाएं, पूरे पाकिस्तान में क्या कोई बैट्समैन नहीं है कि आप शदाब को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं? कभी आज तक, अभी तक पिछले मैचेस की अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो शदाब तो कभी चलते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर और बॉलर है, तो बॉलर को आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। फिर इसी तरह इमाद, वो पता नहीं किसका वेट कर रहे थे कि कौन आके रन करेगा और वो सारी गेंदें जाया करते। अच्छा, इमाद जब आउट हुआ, मुझे लगता है आधे से ज्यादा पाकिस्तान ने शुक्र अदा किया होगा कि शुक्र है ये आउट हुआ, क्योंकि ना तो ये सिंगल ले पा रहा है, ना ये कोई बाउंड्री कर पा रहा है, ये कर क्या रहा है। जब वो आउट भी हुए तो बहुत लेट हो चुका था, 19वें ओवर में आउट हुए, बल्कि 20वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए वो। अच्छा जहीर, एक लाइटर नोट पे मुझे आया कि इमाद से अच्छे तो आजम खान है, कम से कम आउट तो हो जाते हैं पहली बॉल पे। ये ठीक बात है, ये देखे लाइट नोट पे नहीं, ये रियलिटी है क्रिकेट में, बोला जाता है या तो आप रन करें तो या खुदा के वास्ते घर चले जाइए, ये रियलिटी है। अगर कोई एक भी आउट हो जाता तो शायद ये नसीम शाह ने आके हिटिंग की, शाहीन हिटिंग कर लेता है, हारिस शो हिटिंग कर लेता है। मेरा पॉइंट भी आपसे यही है कि अगर एंड पे नसीम शाह ने आकर एक चौका, दो चौके मारे, उसने कोशिश तो की ना अपने बैट को हिलाने की, तो क्या हमारे बैटर्स नहीं कर सकते थे? 5 घंटे के अंदर आपको 10-12 रन कर दिए। इसमें रियलिटी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आवाम को, पब्लिक को। बड़े अरसे से बात थी जब इन्होंने एक, इस मैनेजमेंट ने एक स्टूपिड हरकत की कि इन्होंने जो कप्तान को हटा के दूसरा कप्तान लगाया, और बाबर आजम की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश टाइटल जीतना तो मुझे नहीं नजर आ रहा, वो यही है मैं कप्तान किसी तरह रहूं। वो कप्तानी की जंग के अंदर आपने टीम के अंदर टूट फूट पैदा की, तब भी हमने बहुत बात की ये गलत था, जिस तरह बाबर को हटाया गया वो भी गलत था, जिस तरह शहीन को हटाया। अब ये सुपर नेचुरल तो है नहीं, हाँ इतना इनका IQ लेवल है, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़े कर लिए, ट्रेनिंग में ग्रुप बंदी होगी, आधे लड़के चाहते हैं शहीन, आधे चाहते हैं बाबर बने, कुछ चाहते हैं, एक तीसरे भाई साहब भी हैं वो भी कहते हैं कि मैं कप्तान बनूं, वो साइलेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबको मालूम है, नाम लेने का फायदा, चले मैं ले देता हूँ, मोहम्मद रिजवान साहब, वो कहते हैं कि मैं कप्तान। जब वो इतने लोग आपकी टीम के अंदर कप्तानी की जंग के अंदर होंगे तो क्या, और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मुझे पता है बड़ी सर्जरी चाहिए, तो भाई आप चेयरमैन थे, आप चेयरमैन PCB थे, आपकी रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको पता था एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते, निकाल के बाहर फेंकते, अब आपको भी पता होता। आप कह रहे थे कुछ ना कहीं ये वर्ल्ड कप लेके देंगे, जब 2 मैचेस हार गए आप कह रहे हैं कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है, तो ये किसके साथ तमाशा हो रहा है? और नुकसान पता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो है मुझे अब ये डर है कि जब आपकी विक्ट्रीज नहीं मिलती ना, तो आपकी आवाम का इंटरेस्ट आप
स्पोर्ट्स से खत्म हो जाता है, वहां वो स्पोर्ट्स से दूर चली जाती है। जैसे स्क्वाश खत्म होगी पाकिस्तान में, हॉकी खत्म होगी, अब मुझे डर है कि क्योंकि मैं जब से 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वाम पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत दूर हो रही है, कोशिश करके आती है, शायद ये खुशी दे देंगे, जब नहीं देती तो फिर दूर चली जाती है। आज जो इस टाइम अवाम का जो गुस्सा है, मुझे डर ये है कि ये क्रिकेट जो है खुदा न खास्ता इस हॉकी और उसकी तरह, ये क्योंकि मैनेजमेंट ने कर छोड़ा है, इन्होंने जो करना था इस खुशी के साथ खिलवाड़ कर दिया। आप एक बात बहुत जबरदस्त आपने की कि इस तरह से लोग दूर हो जाते हैं, और इरफान हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, कोई होश के ना हो ले हमारे प्लेयर्स, क्योंकि वैसे तो एड्स करने इनको बहुत अच्छे आते हैं, सैलरीज भी इनकी बहुत अच्छी हैं, बाकी बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में ये लोग जीरो हैं।